चले तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में। एंड आई ऑलवेज, आप लोग सलमान खान को तो जानते ही होंगे यार, अगर नहीं जानते ना तो आ जाएगा फुटपाथ पे। एंड गाइस, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बॉलीवुड में सलमान भाई को उनकी एक्टिंग वजह से कम, शादी की वजह से लोग ज्यादा जानते हैं यार। क्योंकि भाई की शादी हो नहीं, और नहीं बात एक्टिंग की तो भाई को एक्टिंग तो आती नहीं है। और एक ही है घोसड़े का, इसकी भाई चाहती नहीं है। गैस, एक बात तो माननी पड़ेगी, सलमान भाई ऑन स्क्रीन कभी भी रोमांस नहीं करते यार, ये हमेशा ऑफ स्क्रीन ही करते हैं। एंड मैं तुम लोग बताना चाहूंगा, ये सारा का सारा काम भाई अपने पनवेल और फार्म हाउस पे करते हैं। यकीन नहीं है तो जैकलिन से पूछ लो, उनका पूरा लॉकडाउन वही गुजरा है। सलमान भाई को कुछ भी कहने हैं, पर बॉलीवुड में सलमान भाई से बड़ा चैरिटी बाज कोई नहीं यार। पहले इन्होंने सोयो को दे दिया, अभी देखो कैटरीना को भी डोनेट कर दिया, वो भी इस कलवे को। तुम्हें बताऊं चाहूंगे, सलमान भाई फिल्मों से ज्यादा बिग बॉस करते हैं, जानते क्यों? क्योंकि बिग बॉस में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखा जाता ना। तो गाइस, लगता है मैंने अभी सलमान भाई को कुछ ज्यादा ही पेल दिया, सॉरी रोस्ट कर दिया। चलो अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी हर एक के पीछे पड़ जाऊंगा, बोला जा भाई खुश रह तू अपना कर। सही बात है गाइस, भाई के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर भाई हर एक के पीछे नहीं पड़ते यार। बट पता नहीं क्यों भाई इसके पीछे पड़ गया, और इसके कैरियर के साथ साथ गांड भी मान ली। क्या सलमान अभी किधर है? कन्फेशन रूम। अब कौन सा कन्फेशन दे रहा है? क्या लफड़ा किया तूने? रुक यार, ना मैंने कुछ किया है ना तूने कुछ किया था। गैस, मैं तुम्हें बता चुका कि मैं सलमान भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पूछना पड़ेगा भाई, अगर आपने और छोटे ने कुछ नहीं किया था तो फिर आप जेल क्यों गए थे यार? नहीं मतलब जेल कोई घूमने तो जाता नहीं। हिम्मत बाकी है। शादी का क्वेश्चन लेके हम दोनों ही परेशान है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ भाई, आप परेशान हो, लेकिन ये जब बिल्कुल सही बात है, सलमान भाई शादी को लेके आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, क्योंकि भाई को पता है लौड़ा नहीं शादी होने वाली है। ऐसा नहीं है गाइस कि सलमान भाई ने ट्राई नहीं किया था, ट्राई किया था यार शहनाज के साथ, बट यही पब्लिक जो घोसड़े की पूछती है भाई शादी कब करोगे, भाई की गांड मारती थी। ब्रेकअप जब होता है तब आपको लगता है कि यार उसने ये किया, उसने वो किया, उसने, फिर एक दो साल निकल जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। लेकिन ब्रेकअप में ये आपके केस में पहल कौन करता है सर? ये वीडियो देख के मुझे भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं मतलब भाई, काश यार दूसरे के ब्रेकअप पे पहल कौन करता है, इसको छोड़ के आप अपने ब्रेकअप पे ध्यान दिए होते ना तो आज आप रड़वा नहीं होते। हमने अभी आपको कॉन्ट्रोवर्सीज में ये कहते हुए सुना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये कैसे हो सकता है? कंट्रोवर्सी भूल गए यार, लगता है बताना पड़ेगा। देखो भाई, बिल्कुल भी हो सकता है यार, जैसे कि हिरन वाले या फुटपाथ वाले कंट्रोवर्सी में आपकी कोई गलती नहीं थी ना, वैसे ही रजत दलाल की कंट्रोवर्सी में रजत दलाल की भी कोई गलती नहीं थी। हाँ अलग बात है कि इससे दो चार गुंडे वाले वीडियो वायरल हो जाते, बट इसमें रजत भाई की कोई गलती नहीं यार, ये तो भाई ने बिग बॉस में जाने के लिए किया था, क्योंकि बिग बॉस में जाने का यही तो रिक्वायरमेंट है। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, तेरा क्या होगा सोचो। गैस सच बताओ तो ये वीडियो देख के बहुत दुख होता है। नहीं मतलब भाई, देखो कैटरीना के लिए कितना मन से गाना गा रहा है, वैसे कैटरीना भी इस गाने को सुना और समझा और फिर हाथ पकड़ लिया इस कलवे का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, आज के लिए बस इतना ही। एंड ये वीडियो जस्ट फॉर फन के लिए था, तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है गाइस। एंड गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि आई रियली रिस्पेक्ट सलमान खान सो मच यार, अगर सलमान खान नहीं होते ना तो फिर ये अभिषेक बच्चन और ये विक्की कौशल, इनका घर कौन बसाता। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, मिलते हैं गाइस।